मैंने बोला था ना मैडम तैयार होने में पूरा एक घंटे लिया है उसने, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। चल ड्यूटी। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड आज मैं काफ़ी सुबह सुबह से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी शायद 10 बज रहे होंगे, 10 भी नहीं बजे होंगे, अभी शायद 10:45 ऐसा कुछ हो रहा है। चाय बन रहा है किचन में एंड आज का दिन बहुत स्पेशल है, तो यस चलिए वीडियो की शुरुआत करती है एंड मिलते हैं किचन में। एक्चुअली स्पेशल इन द सेंस आज अराउंड हम लोग 3-4 साल बाद मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। आई मीन शी इज़ कमिंग टू कोलकाता एंड वो रहेगी 4 दिन के लिए आ रही है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए आ रही है, तो वेरी मच एक्साइटेड। एंड उसको मैंने बोला नहीं है दैट आई विल पिक हर, मतलब मैं एयरपोर्ट जाऊंगी उसको पिक करने, बट उसको नहीं बोला है, मैंने बोला है कि मैं नहीं आ सकती एंड ऑल यू नो नौटंकी जो होता है दोस्ती में वही सब। तो फिर आई होप उसको अच्छा लगेगा कि मैं जब जाऊंगी, तो उसके लिए मतलब मैंने खाना वाना मतलब यहाँ पे मेरे यहाँ पे वो लंच करेगी। उसका फ्लाइट यहाँ पे आई थिंक 2:45 बजे शायद यहाँ पे वो होगा तो लैंड करेगी, तो उसके बाद ऑब्वियसली बैगेज वगैरह लगेज वगैरह कलेक्ट करते करते 3:15 तो ऐसे हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ से मेरे यहाँ से एयरपोर्ट जाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है, तो शायद मैं यहाँ से 12:30 बजे के करीब निकल जाऊँगी। तो क्या होगा एटलीस्ट जाके ही तो मुझे बस नहीं मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट बस है लकीली, तो बस के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरे ऑफिस के सामने से ही एयरपोर्ट का डायरेक्ट बस जाता है, तो या बस लंच पे मैं बनाने जा रही हूँ एकदम सिंपल मसाला अंडा, मतलब एग करी बनाऊंगी विथ सम मसाला इन स्पाइसी करके, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी नहीं क्योंकि मैं पर्सनली उतना तीखा नहीं खाती हूँ। एंड जीरा आलू रहेगा और हाँ और बस राइस ही रहने वाला है। और यहाँ पे मैंने टमाटो फिर अदरक लहसुन प्याज मिर्चा सब एक साथ ग्राइंड करके पेस्ट करके रखा है। तो मेरा नहाना वगैरह सब हो गया है, रेडी भी हो चुकी हूँ, अभी बस 10 मिनट में निकल जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा बस के लिए भी वेट करना पड़ेगा एंड आई डोंट नो द टाइमिंग्स ऑफ दैट बस। मतलब काफ़ी महीना हो गया कि मैं बस पे उठी भी नहीं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, बट आज थोड़ा सा बस से ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो बस अच्छा ये रहेगा कि वो पूरा एकदम एयरपोर्ट के अंदर तक लेके जाता है, जहाँ पे आप वेट कर सकते हो उस एरिया पे लेके जाता है, तो इसीलिए वही मैं पकड़ने वाली हूँ। तो बट उसका टाइमिंग मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा सा बस स्टॉप में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। खाना वगैरह सब बना लिया है, बस एक ही चीज़ बाकी है जो जीरा आलू, वो एक्चुअली मैं उसको लेके आने के बाद बनाऊंगी क्योंकि अभी से बना के रखने से वो ठंडा हो जाएगा एंड वो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बट मेन जो चीज़ें हैं राइस फिर मसाला एग करी एंड ऑल वो सब हो गया है एंड बट वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है, तो मैं छतरी वगैरह सब लेके जा रही हूँ, तो आई जस्ट प्रे कि बारिश ना हो, होने से भी मैं इधर वहाँ पे पहुँच जाने के बाद हो या फिर वो मेरे घर पे आने के बाद हो जाए तो सही रहेगा। मैं भी अभी जस्ट पहुंची हूँ, बट उसका शायद जल्दी से हो गया क्योंकि उसका 2:45 बजे था और अभी बस 2:20 हुआ है, तो
आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि उसको लेने जा रही हूँ मैं. 3 सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं. तो उसको लेके मैं अभी जा रही हूँ मेरे रूम पे. बट हम लोग का लक बहुत ही आज खराब था. क्या बोले, उसका फ्लाइट जल्दी लैंड हो गया वो अच्छा था, बट इतने जोर से बारिश हो रही है ना कोलकाता में. ऑल ऑफ ए सडन जब मैं आ रही थी, आप लोगों ने देखा ना कि कितना धूप था. तो आई वॉज हैप्पी कि चलो आज का वेदर अच्छा है तो अच्छे से मतलब सब काम हो जाएगा. बट जब जैसे वो लैंड की एंड जैसे वो निकली, इतना जोर से बारिश मतलब स्टार्ट हो गया. हम लोग निकल नहीं पाए. हम लोग एयरपोर्ट में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक बैठे रहे. फिर भूख लग गया तो कुछ खाए पिए. अभी हम लोग जा रहे और वैसे ये यहाँ पे बैठी हुई है. हाँ, उसको मैं बाद में दिखाऊंगी. एग्जॉस्टेड है क्वाइट ऑब्वियसली, बहुत दूर से आई है ना, मतलब इंडिया से बाहर से आई है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अभी उसको थोड़ा रेस्ट देंगे. तो चलिए घर पे मिलते हैं. आके खाना वाना खाना सब हो गया है. थोड़ा सा रेस्ट किए थे हम लोग एंड अभी जा रहे थोड़ा सा कस्बा न्यू मार्केट में, क्योंकि पहले सोचे थे गरियाहाट जाएंगे, फिर गरियाहाट अभी और नहीं जा पाएंगे क्योंकि दोनों ही बहुत एग्जॉस्टेड है. वो मतलब प्रियंका तो मेरे से ज्यादा एग्जॉस्टेड है जो भी हो, और बारिश भी हो रहा है मतलब थोड़ा बहुत, तो ऐसे मन नहीं किया. देखते हैं, वो तो उसके पास तो टाइम है अभी. तो अगर कस्बा न्यू मार्केट में वो सारी चीजें नहीं मिली तो हम लोग शायद कल गरियाहाट जाएंगे आफ्टर माय ऑफिस. एंड अभी बस थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा मतलब वहां पे देख लेंगे, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है. तो या चलिए मिलते हैं चाय पे. और यहाँ पे ये सजती हुई एकदम बढ़िया तरीके से. सही है, सही है. कुछ बोलोगी क्या या नौटंकी करना है तुमको? तो बहुत ही गंदे एक बाइट के बाद मैं आपको मेरा खूबसूरत सा चेहरा दिखा रही हूँ. तो अभी हम लोग जाएंगे चाय पीने. चाय पियेंगे उसके बाद थोड़ा सा बाजार करेंगे. अगर मिल जाए तो सही बात है, नहीं मिले तो कल गरियाहाट में जाएंगे. चलिए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं. ये मैडम तैयार होने में पूरा 1 घंटे लिया है उसने. तो अभी हम लोग जा रहे हैं. चल झूठी. झूठ नहीं, सच में ही पूरा 1 घंटा में मेरा, देखिए आप मेरा हुलिया देखिए. तो हम लोग अभी जा रहे हैं कस्बा मार्केट एंड उसको यहाँ का चाय पिलाऊंगी मैं. तो कुछ बोलना है तुमको? बेसिकली इट्स अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट. केम लैंडेड टू कोलकाता आफ्टर 4 इयर्स, सो लॉन्ग लॉन्ग इयर्स विद यू एंड कोलकाता. इट्स अ ह्यूज इमोशन एंड मिक्स ऑफ एवरीथिंग. आई एम लिटरली यू नो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे आके यू नो मतलब मैं चुप चुप सी नहीं हूँ. आई एम जस्ट मैं बस सारी दिन मतलब ये बस कैमरा के लिए थोड़ा सा नौटंकी है इसका. शी इज एक्चुअली यू नो पता है ना आप लोगों को क्या है. तो जो भी है आई एम वेरी हैप्पी, बट इट जस्ट लाइक आई एम जस्ट ब्रीदिंग लिविंग इन द मोमेंट बिकॉज काफी टाइम बाद आई हूँ. काफी सही आज का वेदर भी बहुत सही है. बारिश के बाद अभी मौसम बहुत प्लीजेंट लग रहा है एंड होपिंग फॉर माई गुड स्टे हियर एट कोलकाता विद दिस पागल. ये वोट ऑफ थैंक्स सुनने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने और थोड़ा सा कस्बा मार्केट कुछ सामान खरीदने. तो या चलिए कस्बा मार्केट में मिलते हैं.
है तो फाइनली हम लोग मॉल में आ चुके हैं एंड वी आर ऑन हर स्पेशल रिक्वेस्ट वी विल ट्राई आई मीन आई विल डेफिनेटली ट्राई दी ब्राउनीज हियर इन एक्रोपोलिस मॉल सो आई एम होपिंग फॉर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कैसा है ये खाने में Yum. मैंने बोला था ना दिस इज ऑसम दिस इज रियली ऑसम आई नो ज्यादा मीठा भी नहीं है कुछ भी नहीं है बट बहुत अच्छा है तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड बहुत ज्यादा टायर्ड है हम लोग अभी बस खाना वाना खाएंगे और जस्ट यू नो जस्ट सो जाएंगे नहीं सोने से भी एटलीस्ट थोड़ा सा यू नो रेस्ट करेंगे तो आई रियली होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा टिल देन अच्छे से रहिए बाय बाय टेक केयर